विधानसभा में हो रहा है उससे भी अवगत है, क्या कहेंगे? जनता का मुद्दा आज हमारा विधायक लोगों ने जोर शोर से विधानसभा में उठाया। कल सारा रात विधानसभा में उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा। हमारा जो पब्लिक के लिए हमारा जो कमिटमेंट है, विधायक लोगों ने उनका वो जिम्मेदारी पूरा करने का भरपूर कोशिश किया। हमारा मुद्दा क्या है, जब सरकार बना था JMM कांग्रेस ने लोगों को ये आश्वासन दिया था कि हम युवाओं को 5 लाख नौकरी दूंगा और जब तक 5 लाख नौकरी नहीं होगा हम आपको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देने का काम करूंगा। सरकार बनाने का समय कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज पुलिस सबको ये वादा किया गया था कि आपका नौकरी हम लोग रेगुलराइज करूंगा। आज जनता का साथ धोखा किया गया है। आप देखिए, जब सरकार बना वो समय JMM बोला था कि हम हर फैमिली को प्रति फैमिली को हर साल 72,000 रुपीज दूंगा, 72,000 रुपया दूंगा। 5 साल में 72,000 रुपया कितना होते हैं? 5 साल में 72,000 रुपया 3,60,000 रुपया होते हैं। अभी हेमंत सोरेन जी क्या कर रहे हैं, अगस्त महीना में 1,000 देगा, सितंबर में 1,000 देगा, कहाँ 3,60,000, कहाँ 2,000। मतलब पूरा युवाओं का साथ धोखा, परिवारों का साथ धोखा, ये एक धोखा का बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना लिया है। इसीलिए मैं विधायक दल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने जनता का आवाज उठाया विधानसभा में और आगे भी हम जनता का आवाज उठाने का कोशिश करते रहो। सर, संथाल में क्या क्या देखिए, संथाल में मैंने आप प्रेस का साथ वहाँ में भी वार्ता किया था, संथाल का बस सिचुएशन बहुत ही खराब है। तारानगर का 50 फैमिली पाकुड़ में है, वो लोग अपना गांव नहीं जा पा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है कि आप लोग चले जाओ, आपका जमीन हम लोगों को चाहिए। गोपीनाथपुर में लोगों का खेती में बम रखा जा रहा है, दोनों मुस्कुटवा जाने नहीं दिया गोपीनाथपुर, लेकिन गोपीनाथपुर और तारानगर का लोग आके मुस्कुट सर्किट हाउस में मिला और जो सिचुएशन मेरा संज्ञान में आया, ये खतरनाक सिचुएशन है। ऐसा आज देश का कहीं प्रदेश में ऐसा स्थिति नहीं है। गायबाथान में गया था, परमेश्वर हेम्ब्रम, दांडी हेम्ब्रम दोनों आदिवासी हैं, दोनों को 2015 में कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया पुलिस को, प्रशासन को, कि दोनों को अपना जमीन लौटा दिया जाए। किस लिए? SPT कानून में आदिवासी का जमीन ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है। घुसपैठियों ने बोला कि हमको कागज नहीं चाहिए, हम ताकत से तुम्हारा जमीन लूंगा, और पिता भयभीत है। अगर झारखंड जैसा प्रदेश में जहां आदिवासी का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है और बाहर में तो लोग आदिवासी प्रदेश हिसाब से ही झारखंड को जानते हैं, अगर वो प्रदेश में आदिवासी लोगों का साथ ऐसा व्यवहार होते हैं, पीटा जाता है, जमीन से बेदखल किया जाते हैं, तो एक आदिवासी मुख्यमंत्री का क्या जरूरत है? अगर एक आदिवासी मुख्यमंत्री होते हैं और आदिवासी फैमिलियों का ऊपर अत्याचार होते हैं, जनता ने आवाज उठाया, अखबारों ने आवाज उठाया, आज भी हेमंत सोरेन जी SP को फोन करके बोल सकता है कि भाई दोनों आदिवासी फैमिली को जमीन लौटा दो, इश्यू समाप्त हो जाते हैं। एक ही दिन में वो समाप्त हो चुका है, अदालत का भी आदेश है, खाली CM का एक फोन चाहिए, फोन नहीं हुआ। फिर मैंने कॉलेज का हॉस्टल में गया, 250 हॉस्टल में आदिवासी लड़का रहते हैं, पीटा गया, गाली दिया गया, और अभी वो लोगों का ऊपर नक्सल का केस भी रजिस्टर करवा दिया गया, ट्रीटमेंट का व्यवस्था नहीं है, तो हालत बहुत खराब है।
मैं दिल्ली जाके गृह मंत्री जी का संज्ञान में लाऊंगा ये सारे चीज, और जब गवर्नर साहब राशि में आऊंगा मैं तब दोबारा एक बार आऊंगा गवर्नर साहब से मिलने का कोशिश करूंगा। और मैं जो देख के आया हूँ मैं एक पत्र लिख के झारखंड का मुख्यमंत्री जी को भी मैं अवगत करूंगा। फिर जाएंगे संथाल में तो जाना है ही, लेकिन आज जो जाके मैं देख के आया इसका बारे में मैं झारखंड का मुख्यमंत्री जी को भी मैं बताऊंगा, चिट्ठी लिखूंगा, मैं बताऊंगा किसके मैं जो भी देख के आया हूँ। और मेरा यही मानना है पॉलिटिक्स अपना जगह में, चुनाव बहुत दूर है, हेमंत सोरेन जी एक सप्ताह में ही झारखंड का आदिवासी फैमिलियों का साथ न्याय कर सकता है, इश्यू भी खत्म हो जाएगा, उनके लिए भी अच्छा नहीं है चुनाव तक ये इश्यू रहे। लेकिन जेएमएम तो यहाँ कहते रहती है कि हम आदिवासी और मूल वासियों का ही बात करते हैं, एमआईटी है, तो आपको क्यों लगता है उसके बावजूद भी मैंने जो देख के आया मेरा कोई लगता नहीं है, पहले राशि से मुझको लगता था, अभी तो मैं देख के आया हूँ, अभी मेरा आंखों को मैं कैसे अविश्वास करूं। सर लेकिन मुख्यमंत्री जी का इस पर जवाब है कि जो बीजेपी के नेता है यहाँ के लोकल वो डिस्चार्ज हो गए हैं, आप रिचार्ज कराने बार बार आ रहे हैं। यहाँ में फिल्मी डायलॉग का क्या जरूरत है भाई, दो आदिवासी फैमिली मार खा के परा हुआ है, यहाँ में फिल्मी डायलॉग का क्या वैल्यू है। मैं भी कुछ एक डायलॉग दे सकता हूँ, आप भी राहुल गांधी का रिसर्च लेके बैठा हुआ है, लेकिन जो तो लेकिन मैं ये सब नहीं बोलूं। सर ये क्या तर्क, ये हमारा गोपीनाथपुर आपको नहीं जाने दिया गया, क्या तर्क? उसका कोई तर्क नहीं है, बोले आपका सुरक्षा का हम आपका सुरक्षा का खतरा है, अगर एक मुख्यमंत्री को आप एक घंटा का सुरक्षा नहीं दे सकता है तो गोपीनाथपुर का लोगों को आप कैसे सुरक्षा देगा। मतलब आज झारखंड सरकार ने अपना हाथ उठा दिया है कि गोपीनाथपुर बांग्लादेश बन चुका है, हम कुछ नहीं कर पाता। ये जो चिट्ठी लिखा है मुझको, ये मैं इसको इतना ही बता सकता हूँ, कोई सरकार ये लिख नहीं सकता है कि झारखंड का ही एक इलाका में मैं जाना चाहता हूँ, मेरा पास जेड प्लस है, एक जेड प्लस लोग वहां नहीं जा सकता है, तो आप लोग कैसे जाएगा, साधारण लोग कैसे जाएगा, उनका रिलेटिव वहां कैसे जाएगा। मतलब हालत जेएमएम कांग्रेस का हाथ से निकल चुका है, कंट्रोल खो चुका है। मैं सोच ही नहीं सकता हूं कि गुरुजी का बेटा झारखंड का मुख्यमंत्री हो और वो उनका मुख्यमंत्री का दिन में झारखंड का आदिवासी फैमिली से घुसपैठिया जमीन हड़पते हैं, कानून का ऑर्डर होता है फिर भी न्याय दिलाने में असमर्थ होते हैं। उससे दुख का बात क्या हो सकता है। ये लोग बोलते हैं मैं इश्यू बनाने आया हूं, इश्यू रहेगा ही नहीं, कल आप जाके जमीन लौटा दीजिए, इश्यू खत्म। लेकिन जब तक आप जमीन नहीं लौटाएगा, आवाज उठाना हमारा तो धर्म है ना। लेकिन विधायक भी तो निलंबित कर दिए गए हैं, क्या फायदा है यार निलंबित, हम लोग ये सब देख चुका हूँ, निलंबित से क्या, 5 लाख लोगों का हमारा विधायक को आप परमानेंटली निलंबित कर दीजिए, लेकिन 5 लाख युवाओं को नौकरी दीजिए। सर ये मैं विधानसभा का अध्यक्ष महोदय को मैं अनुरोध करूंगा, कल बीजेपी का विधायक को आप परमानेंटली निलंबित कर दीजिए, लेकिन साथ में ये भी ऑर्डर दीजिए, आप तो सर्वोच्च है। आज मैं उनका भाषण भी सुन रहा था कि न्यायपालिका भी पावर मेरा साथ में है, एग्जीक्यूटिव का पावर भी मेरा साथ है, जुडिशियरी का भी पावर मेरा साथ है, न्याय विधानपालिका भी पावर मेरा साथ है। भाई आप इतना पावरफुल है, खाली एक बार हेमंत सोरेन जी को बोल दीजिए कि कॉन्ट्रेक्चुअल एडमिट एम्प्लॉइज को विद इन 30 डेज आप रेगुलराइजेशन कर दीजिए, और 5 लाख नियुक्ति का देने नहीं सकेगा लेकिन कम से कम एडवर्टाइज निकाल दीजिए। इतना तो स्पीकर महोदय कर ही सकता है ना, खुद तो मैंने आज तक सुना नहीं था कि एक व्यक्ति का ऊपर न्यायपालिका का भी पावर है, एक व्यक्ति का ऊपर जुडिशियरी का भी पावर है, एग्जीक्यूटिव का भी पावर है। तो भारत वर्ष में महामहिम राष्ट्रपति भी इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन जब झारखंड का अध्यक्ष महोदय इतना पावरफुल है और खुद मानते हैं मैं इतना पावरफुल हूँ, तो कृपा करके आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए एक निर्देशित कर दीजिए कि 1 महीना में उनको रेगुलराइज कर दीजिए, और हमारे 5 लाख युवाओं को आप नौकरी देने का काम कीजिए। आपने विधायकों को जो निर्देश दिया, क्या आंदोलन का भी इसमें है क्या? हम विधानसभा में क्या होना है क्या नहीं होना है हम उसमें कमेंट नहीं दूंगा, विधानसभा का अपना गरिमा है, मैं एक
अलग प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, मुझको विधानसभा सड़क पर उतरेगी, सड़क पर तो बीजेपी उतरेगा ही। आप ऐसे कर सकता है? 2000 रुपया देके अब हमें ठगेगा? देना था 360,000 रुपया, दे रहा है 2000, और 2000 भी कम मिलेगा वो भी हिसाब नहीं है। ऐसे हो सकता है क्या? 5 लाख युवाओं का नौकरी नहीं दिया, 100-150 युवाओं को नौकरी दे रहे, वो भी पेपर लीक। हम आवाज नहीं उठाऊंगा, हमारा तो काम ही है आवाज उठाना। जनता का पास तो जनता का सेवक, जनता का सिपाही, जनता का अदालत में तो जाना ही पड़ेगा ना। कल जमशेदपुर भी आप जा रहे हैं, वहाँ क्या है? तो मेरा सांगठनिक जो एक रिव्यू बैठक है, लोगों से मिलना है, और जमशेदपुर में कभी गया भी नहीं हूँ, एक बार देखने का भी सौभाग्य हो जाएगा। राहुल गांधी की जाति की बड़ी चर्चा हो रही है। अरे राहुल गांधी एक चीज है, जैसे वो पत्रकार को पूछता है तुम्हारा जाति क्या है, पूछते थे ना दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होके, राहुल गांधी पूछते है आपका जाति क्या है, मालिक का जाति क्या है। और जब लोगों ने उनका जाति पूछा, बोले भाई हमारा जाति क्यों पूछते हैं? अरे बिना जाति पूछ के जातीय जनगणना होगा क्या? लेकिन अगर मैं आपका जाति नहीं पूछू तो जनगणना कैसे होगा? तो ये एक चीज है, मतलब एक मेटल है। ये क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, बहुत ही एक दिक्कत वाला व्यक्ति है। बोलते हैं मैं जाति जनगणना करवा के रहूंगा, लेकिन अपना जाति का नाम नहीं बोलूंगा, तो कैसे जाति का जनगणना होगा? तो बोल रहे हैं यही है सामंतवादी सोच कि जात से किसी को आइडेंटिफाई कर। अरे ये सामंतवादी सोच, कांग्रेस किसको गाली दे रहा है? राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी तो पत्रकार का जात पूछते हैं। आपका पास वो वीडियो नहीं है? अभी तो दिल्ली का कोई कोई लोग दिखाने के लिए डरता है, लेकिन मैं बोलता हूँ ये वीडियो मेरा पास भी है। एक बार AICC का हेडक्वार्टर में पूछा पत्रकार को कि आपका जाति क्या है, आपका मालिक का जाति क्या है। फिर उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार को पूछा, भाई आपका जाति क्या है, आप OBC है क्या? उनको तो लोग मारने के लिए तैयार हो गया था, ऐसा सिचुएशन किया। लेकिन राहुल गांधी जी को तो अपना जाति बताना ही पड़ेगा अगर जातीय जनगणना होगा तो। बिना जाति बताते हुए जाति जनगणना कैसे होगा? कि अगर उनका ये सोच है, सामंतवादी सोच है कि सबका जाति जनगणना हो, खाली मेरा जनगणना ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? उनका भी यही सोच है कि नरेंद्र मोदी भी अपना जाति बताए, हिमंत बिश्व शर्मा भी अपना जाति बताए, अनुराग ठाकुर भी अपना जाति बताए, अमित शाह भी अपना जाति बताए, लेकिन मेरा जाति का नाम मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए मेरा नाम का पीछे गांधी लिखा हुआ है। ऐसे हो सकता है लगा कि क्या कर रहे हो यहाँ पर, नेतागिरी करते हो, कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हाँ
तो हम बोले सर नहीं, हम तो स्टूडेंट हैं, तो ऐसा ही हमको बोला। तो साइड हम गए तो ऐसा ही बोला, भाई तुम लोग यहाँ नेतागिरी करते हो जी, रैली करने वाले हो, इसके वजह से ये सब करते हो। तो हमने देखिए सर, ये तो हम लोग के जो सोसाइटी है उनके खिलाफ जो मतलब बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पर अपना मतलब हमारे समाज के लोगों को दबाया जा रहा है या उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, इसीलिए हम लोग ये रही अपना अन्याय के लिए मतलब न्याय के लिए कर रहे हैं। तो बोला देखो हमसे बात करते हो, हमको पहचानते हो हम कौन है। तो बोले सर हम तो नहीं पहचानते आप कौन है। तो बोलने लगा अच्छा हमसे जवाब लड़ाओगे सर, मतलब जल्दी सोचा गाली पकने लगा, बहुत उस तरह गाली पकने लगा। फिर बोलता कि संतल क्या जानते हो जी तुम लोग, मतलब मां बहन करके जो बोलना लायक नहीं है सर, उस तरह का गाली बोलने लगा। फिर बाद में बोलने लगा मोबाइल तो अपना। तो हमने कहा देंगे सर, तो बोला किसी तीन पहाड़ तरफ का एक लड़का है किसी लड़की को लेके भाग रहा था, तो उसका लोकेशन हम ट्रैक कर रहे हैं। तो हम बोले सर ट्रैक कीजिए, जहाँ करेंट लोकेशन है वहां पर जाइए उसको पकड़िए, उसमें क्या दिक्कत है। तो बोला अपना मोबाइल दो, यहाँ से जमा लड़ाता है, क्या समझते हो जी अपने आप को, आप नेतागिरी करते हो। तो ऐसे दो तीन सब मतलब पूरा गाड़ी पक के गाड़ी से उतर के मैं बोलर पकड़ लिया, बुलर पकड़ के दो तमाचा भी मेरे गर्ल फ्रेंड। तो सुना खतरा में हम अपना भैया को बुलाए, तो बुला भैया लोग वहां पहुंचे और उन लोग को समझा बुझा करके मतलब धक्का मुक्की मेरे साथ हुआ था पूरा। उसके बाद उसको वहां से भगाए, भगाए तो जैसे हम लोग खाना खाए, खाना खाने के बाद सो गए। तो 12:30 बजे से 1 बजे के बीच मतलब 150 से 200 करीब पुलिस जवान थे उस टाइम। तो उन्होंने आए बिना कुछ बोले, मतलब बिना कुछ नोटिस दिए, तो उन लोग तो यहाँ प्रवेश किए। उसके बाद अंधाधुन हम लोग के ऊपर लाठी प्रहार करने शुरू कर दिए, मतलब कुछ बोले नहीं, बस बोला कि नेतागिरी करते हो जी, हाँ सारा छोटे जाति के क्या जाते हो जी तुम लोग। और कोई कोई तो ऐसा था कि मतलब सोए हुए थे, उनके ऊपर पूरा मथा में भी कर दिया सर। और बाद में फिर वो लोग मतलब चारों हॉस्टल को कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद फिर लास्ट में एसपी का बयान आया कि एसपी के साथ जो डीआईजी साहब है उस टाइम तो मतलब एसपी तो आए नहीं, जब घटना हुई उस दिन भी नहीं आए, दूसरे दिन भी नहीं, 27 तारीख को भी नहीं आए, 28 तारीख को भी नहीं आए, जब 29 तारीख हुआ तो उस दिन डीआईजी के साथ एसपी साहब आए।